नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत है। आज हम गिलोय के फायदों के बारे में बात करेंगे। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयुर्वेद हर्ब है। आयुर्वेद के अनुसार अधिकांश मनुष्य वात विकारों से पीड़ित हैं और गिलोय के रस व पत्तियों में वात विकारों को दूर करने के गुण पाए जाते हैं। इसे और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि अमृता, चक्रखांगी आदि। इस बेल को घर के बाहर बाग बगीचों में लगाई जाती है। गिलोय की बेल हमेशा हरी भरी रहने के कारण इसको सजावट के लिए भी लगाया जाता है, लेकिन जो व्यक्ति इसके गुणों से परिचित है वो विभिन्न रोगों के निवारण के लिए इसका प्रयोग करता है। गिलोय की पत्तियाँ दिखने में पान के पत्ते की तरह होती है। गिलोय की पत्तियों में कैल्शियम, प्रोटीन, फास्फोरस अच्छी मात्रा में पाया जाता है और इसके तनों में स्टार्च की काफी मात्रा होती है। नीम के पेड़ पर चढ़े हुए गिलोय को सबसे उत्तम गिलोय माना जाता है। गिलोय के बेल को टुकड़े टुकड़े करके उसका रस निकालकर इस्तेमाल किया जाता है। इसका रस कड़वा और कसैला होता है। गिलोय का पौधा अपने गुणों के कारण वात, पित्त और कफ से जुड़ी विभिन्न बीमारियों को ठीक करता है। यह बहुत सारी बीमारियों जैसे कि बुखार, बवासीर, खांसी, हिचकी आना, पेशाब संबंधी समस्याएं या एसिडिटी, आंखों के रोग, शुगर आदि में काफी फायदेमंद साबित होता है। आयुर्वेद में गिलोय का इस्तेमाल सांस संबंधी समस्याएं जैसे दमा और खांसी को ठीक करने के लिए किया जाता है। यह खून की कमी यानी कि एनीमिया के उपचार में भी काफी फायदेमंद साबित होता है। तो चलिए जानते हैं गिलोय किस प्रकार से हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। यह खांसी के उपचार में काफी फायदेमंद साबित होता है। पुराने से पुरानी खांसी के उपचार के लिए गिलोय के रस का सेवन किया जाता है। इसके लिए 2 चम्मच गिलोय के रस हर सुबह लेने से खांसी से काफी राहत मिलती है। यह उपाय तब तक करना चाहिए जब तक कि खांसी पूरी तरह से ठीक ना हो जाए। गिलोय में एंटीसेप्टिक गुण पाए जाते हैं, इसलिए इस हर्ब को बुखार कम करने वाली आयुर्वेदिक दवाइयों में इस्तेमाल किया जाता है। गिलोय को शहद के साथ लेने से मलेरिया का बुखार भी दूर हो जाता है। आजकल चिकनगुनिया जैसे वायरल बुखार के ठीक होने के बाद भी मरीज महीनों तक जोड़ों के दर्द से परेशान रहता है। इस स्थिति में गिलोय की पत्तियों से बना काढ़ा काफी लाभ पहुंचाता है। इसमें अगर 10 से 20 ग्राम अरंडी के तेल को मिलाकर पिया जाए तो यह और भी फायदेमंद साबित होता है। गिलोय आपकी शरीर की इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इसके फलस्वरूप आप सर्दी, जुकाम और दूसरी कई घातक बीमारियों से बचे रहते हैं। यह आपके शरीर को डिटॉक्सिफाई यानी कि साफ करती है और आपके गुर्दे, लीवर और शरीर से हानिकारक तत्वों को दूर करने में मदद करती है। इसके एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल गुण आपको कई प्रकार के बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन से बचाने में मदद करती है। इसके प्रयोग के लिए उंगली के बराबर मोटी व 4 से 6 इंच लंबी गिलोय के तने को लेकर 400 ml पानी में उबालें और जब पानी 100 ml रह जाए तो फिर इसे पिएं। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। बुजुर्ग व्यक्तियों में कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता होने के कारण बार बार होने वाले सर्दी, जुकाम व बुखार आदि में फायदेमंद साबित होता है। यह पाचन संबंधी समस्याओं में भी काफी फायदा पहुँचाता है। मानसिक तनाव, चिंता, भय, डिप्रेशन, असंतुलित खान पान आदि आपके पाचन पर बुरे प्रभाव डालते हैं। गिलोय में डाइजेस्टिव को कम करने वाले गुण होते हैं जो कि बदहजमी, कब्ज, गैस, मरोड़ आदि समस्याओं को दूर करता है और आपके पाचन को बेहतर बनाता है। यह भूख बढ़ाने का काम भी करता है। इसके लिए 1/2 ग्राम गुड़ची पाउडर को आंवला के साथ ले सकते हैं या फिर गिलोय का जूस पी सकते हैं, या आप चाहें तो गिलोय को छाछ में मिलाकर भी पी सकते हैं। गिलोय पेट में दर्द, मरोड़, जी मचलना, उल्टी, एसिडिटी, लीवर प्रॉब्लम आदि को दूर करता है और अपच को रोकता है। यदि आपका पेट सही होगा तो आपको मानसिक तनाव भी कम होंगे और आपका जीवन खुशहाल रहेगा। यह डायबिटीज के मरीजों के लिए काफी फायदेमंद साबित होता है। यदि आप मधुमेह के रोगी हैं, तब आप गिलोय का सेवन कर सकते हैं। इसमें शुगर को कम करने वाले गुण पाए जाते हैं। यह ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। गिलोय के नियमित सेवन से टाइप 2 डायबिटीज वाले रोगियों के लिए विशेष रूप से फायदा होता है। इसलिए आप रोजाना गिलोय का जूस पीकर अपने शुगर लेवल को कम कर सकते हैं। यह स्किन के लिए भी काफी फायदेमंद साबित होती है। गिलोय में एंटी एजिंग, एंटी ऑक्सीडेंट और दूसरे स्किन गुण भी पाए जाते हैं जो कि आपको बुढ़ापे से बचाते हैं और आपकी त्वचा को लंबे समय तक जवान और सुंदर बनाए रखने में मदद करते हैं। इसके अलावा अगर चेहरे पर झाइयां, मुहासे, एक्ने, पिंपल्स, फाइन लाइंस, काले धब्बे, एक्जिमा आदि हो गए हैं तो वहाँ पर गिलोय का रस लगाना काफी फायदेमंद साबित होता है। गिलोय आँखों के लिए भी काफी फायदेमंद माना जाता है। यह आँखों की समस्याओं को दूर करता है और उनकी रोशनी को अच्छी करने में मदद करता है। इसलिए गिलोय को पानी में उबालकर आंखों पर लगाने से आंखों के समस्त रोग दूर हो जाते हैं। यहाँ तक कि आप इसके प्रयोग से चश्मे से छुटकारा भी पा सकते हैं। यह शरीर में खून बढ़ाने का भी काम करता है। अगर नियमित रूप से रोजाना इसके जूस का सेवन किया जाए तो इससे एनीमिया रोग से भी छुटकारा पाया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थे गिलोय से होने वाले कुछ फायदे।
इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।